लेकर सियासत तेज हो गई है। मुनीश गुज्जर का मेयर पद से नाम हटना लगभग तय हो गया है, तो वही सरकार की ओर से मुनीश गुज्जर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी हो चुकी है। बड़ी खबर, जहां कई पार्षद ने यूडीएच मंत्री से इस पूरे मामले में मुलाकात की है। मुनीश गुज्जर का मेयर पद से नाम अब हटना लगभग तय है। तो बता दें कि हेरिटेज मेयर के नाम पर के पद पर आसीन मुनीश गुज्जर का मेयर पद से नाम हटना लगभग तय बताया जा रहा है। सरकार की ओर से मुनीश गुज्जर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति लाई गई थी और अब ये पास कर दी गई। बता दें कि मुनीश गुज्जर का मेयर पद से नाम हटना लगभग तय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, इस पूरी खबर पर क्या अपडेट सामने आ रही? देखिए, एसीबी में मेयर मुनीश गुज्जर के खिलाफ एक मामला चल रहा है, जिसको लेकर कल सरकार की ओर से मेयर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति है वो जारी कर दी गई है। अब जो केस है वो आगे चलेगा और इसमें लगभग ये तय माना जा रहा है कि मेयर मुनीश गुज्जर को निलंबित किया जाएगा और निलंबित करने के बाद हेरिटेज नगर निगम के जो ओबीसी वर्ग महिला वर्ग से ही किसी को पार्षद यहाँ पर पार्षद को मेयर बनाया जाएगा, क्योंकि कार्यभार मेयर किसी को नियुक्त किया जाएगा। तो इसकी दौड़ में अब कई नाम है वो शामिल है, जो लगातार जो पार्षद है यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा से मुलाकात लगातार कर रहे हैं। एसीबी चालान पेश करेगी, तमाम तथ्यों पर जांच होगी और इस जांच को प्रभावित मेयर ना कर सके इन तमाम चीजों को लेकर ही उनको निलंबित किया जाएगा। पहले भी ऐसा मामला आ चुका है, ग्रेटर मेयर भी निलंबित हो चुकी हैं, हेरिटेज मेयर भी को भी निलंबित किया गया था पहले भी, लेकिन फिर वो कोर्ट से वापस इस मामले को कोर्ट में लेके गई और फिर कोर्ट की ओर से उनको मेयर फिर से बनाया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब अभियोजन स्वीकृति सरकार की ओर से दे दी गई है तो जांच को प्रभावित ना करें इसलिए उन्हें निलंबित किया जाएगा और ये लगभग तय माना जा रहा है उनके आदेश। लेकिन किस मामले पर यहाँ पर अभियोजन स्वीकृति हेरिटेज मिनिस्टर मुनीश गुज्जर के खिलाफ सरकार की तरफ से सामने आई है? देखिए, एसीबी में जो मामला चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर, जो पैसे की एसीबी ने मेयर मुनीश गुज्जर के घर पे कार्रवाई की थी, उस टाइम जो पैसों का लेन देन पट्टों से जुड़ा हुआ ये मामला है, उसको लेकर एसीबी में जो जांच है वो चल रही है रिश्वत के मामले की, और इसी को लेकर सरकार ने पहले अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की थी। लेकिन अब जिस तरह से कल यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा का बयान आया और अभियोजन स्वीकृति उनके खिलाफ जारी कर दी गई है, तो अब जांच होगी और जांच के दायरे में वो आएंगी और तमाम सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे। एसीबी भी पूछताछ के लिए मेयर को बुला सकती है, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर यह है कि उनको निलंबित किया जाना लगभग तय है, उनको बिल्कुल यहाँ पर जांच किसी भी तरह से प्रभावित ना हो सके विष्णु, इसीलिए इनको निलंबित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर अपडेट पेश करने के लिए।